नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिलाटू.com। दुनिया में एक से बढ़कर एक जेले हैं, जिनमें से कोई खतरनाक और डरावना है तो कोई बेहद ही शानदार, जिसे देखने पर लगता है कि वह कोई जेल नहीं बल्कि 5-स्टार होटल हो। वैसे आम तौर पर लगभग हर जेल से किसी न किसी कैदी के भागने की खबर अक्सर आती रहती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जेल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ से कोई भी कैदी भाग नहीं पाया। हालांकि कोशिश तो कईयों कैदियों ने की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। मगर उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि हम पहुँच सकें आप तक सबसे पहले। तो चलिए अब जानते हैं इस जेल के बारे में जहाँ से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया। जिस जेल का मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम अल्काट्रॉन्स जेल है, जो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के तट से दूर अल्काट्रॉन्स द्वीप पर स्थित है। यह जेल साल 1934 में खुली थी, लेकिन उच्च रखरखाव और लागत की वजह से इसे 1963 में बंद कर दिया गया था। अब इस जेल का इस्तेमाल एक म्यूजियम के तौर पर होता है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस जेल का नाम द रॉक भी जाना जाता है। द रॉक काफ़ी शानदार और काफ़ी हैवी नाम। कई सुरक्षा इंतजामों और चारों तरफ से सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के ठंडे पानी से घिरे इस जेल को अमेरिका की सबसे मजबूत जेल माना जाता था, जहां से कोई कैदी भाग नहीं सकता था। कहते हैं इस जेल में अमेरिका के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था जो भाग ना सके। हालांकि जेल के 29 साल के इतिहास में यहां से कुल 36 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से 14 को पकड़ लिया गया था, जबकि कुछ पुलिस की गोलियों से मारे गए थे और कुछ पानी में डूब गए थे। 5 कैदियों की तो लाश भी पुलिस को नहीं मिल पाई थी। हालांकि दावा यह भी है कि जून 1962 में इस जेल से 3 कैदी, जिनका नाम फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंग्लिन और क्लेरेंस एंग्लिन बताया जाता है, वे भागने में सफल रहे थे। कई सालों के बाद पुलिस को मिले एक पत्र में इस बात का दावा किया गया था। इसके बाद पुलिस ने उनकी खोजबीन भी की थी, लेकिन वे कभी मिल नहीं पाए, जिससे यह साबित नहीं हो पाया कि वे जेल से भागकर जिंदा हैं। हालांकि जॉन एंग्लिन और क्लेरेंस एंग्लिन नामक कैदी भाइयों के घर वालों ने इस बात का दावा भी किया था कि वे जिंदा हैं, लेकिन वे मिले नहीं हैं। आपको इस जेल के बारे में क्या कहना है या आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अगले वीडियो में उस विषय पर जानकारी दे सकें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।